सो गाइस, ये जो आप हमारे सामने गाड़ी देख सकते हो, ये है आपकी टीवीएस की रेडर 125, जो कि आप सुपर स्क्वाड एडिशन में देख पाओगे, जो कि आपको रेड कलर के साथ साथ आपको टोटली न्यू ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। नॉर्मल वाले जो एडिशन आते हैं उसमें आपको इसमें अंतर देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस गाड़ी का डिटेल्ड ऑलराउंड रिव्यू करने वाले हैं। क्या अभी का ऑन रोड प्राइस पड़ता है, इससे आप माइलेज कितना का निकाल पाओगे, टॉप स्पीड क्या है, इंजन कितना अच्छा देखने को मिल जाता है, और साथ साथ जो नॉर्मल एडिशन आते हैं उसमें और इसमें आपको क्या क्या अंतर देखने को मिलेगा, हर एक उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले इस गाड़ी का फ्रंट डिजाइन को देख पाओगे, जो कि आपको 125 सीसी में बहुत ही आपको एग्रेसिव डिजाइन देखने को मिलता है। सबसे पहले ए पार्ट देखोगे, जो कि आपको फुली एलईडी का आपको यहाँ पे लाइट देखने को मिल जाता है। स्प्लिट में आपको यहाँ पे डीआरएल लाइट देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको रेडर का लोगो मिल जाता है, नंबर प्लेट आप यहाँ पे लगा पाओगे, टीवीएस को आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, और जो इंडिकेटर दिया गया है जो कि आपको फुल्ली हेलोजन बल्ब के साथ ही देखने को मिलेंगे। हेडलाइट का आप दोनों साइड का काउल देख सकते हो, जो कि आपको टोटली रेड कलर में मिलते हैं, और जो नॉर्मल एडिशन आते हैं उसके जगह पे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपको अलग सा यहाँ पे आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, जो कि आपको सुपर स्क्वाड का ग्राफिक्स दिया गया है। टेलीस्कोपिक में आपको यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, मडगार्ड देखोगे जो कि आपको डुअल टोन कलर में दिया गया है, और यहाँ पे भी आपको टोटली न्यू ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे इस सुपर स्क्वाड एडिशन में। नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको 240 एमएम के आपको पेटल डिजाइन में डिस्क देखने को मिलते हैं। ब्रेकिंग का जो क्वालिटी है वो आपको आपको अच्छा मिल जाएगा। अभी भी इस गाड़ी में आपको कोई भी एबीएस के प्लेट नहीं देखने को मिलते हैं। टायर की ओर देखा जाए तो फ्रंट टायर आपको 80/100 सेक्शन के मिलेंगे, जहाँ की आपको 17 इंचेस के साथ आपको टोटली ब्लैक कलर के साथ एलॉय व्हील दिया गया है। टीवीएस कंपनी की तरफ से टायर मिलता है, और दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको एलॉय व्हील पे आपको टोटली ग्रे कलर के साथ स्टिकर देखने को मिल जाएंगे। जब गाड़ी के आप साइड प्रोफाइल की ओर आओगे तो यहाँ से इस गाड़ी का आप साइड प्रोफाइल को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये जो टैंक काउल है जो कि आपको टोटली फाइबर के साथ दिया गया है, बट यहाँ पे भी आपको डुअल टोन कलर का यूज मिल जाएगा। इधर आपको टोपी देखोगे जो कि आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर, और इधर आपको रेड कलर के यूज देखने को मिलेंगे। जो नॉर्मल वाले एडिशन आते हैं उसमें आपको ये जो ग्राफिक्स है वो नहीं देखने को मिलता है। ये आपका सुपर स्क्वाड एडिशन है, उसके लिए आपको यहाँ पे टोटली न्यू ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। सुपर स्क्वाड एडिशन वाला जो ग्राफिक्स है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको रबर फिनिश के साथ उसका आपको एडिशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे साइड में देखोगे जहाँ के आपको हॉर्स का लोगो मिल जाएगा, जो कि आपको टोटली क्रोम के साथ दिया गया है। बीच वाला पार्ट देखोगे जो कि आपको टोटली मैट ब्लैक कलर में दिए गए, जो कि हल्के से आपको सॉफ्ट टच के साथ देखने को मिलता है। गाड़ी जो कि आपको E20 को सपोर्ट करने वाली है, और यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पॉइंट के आपको स्लॉट भी देखने को मिलते हैं, और इस गाड़ी में आपको 10 लीटर का टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। सीट की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको स्प्लिट में सीट मिलता है। इस वेरिएंट में आपको कहीं भी सिंगल सीट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। राइडर के लिए भी आपको चौड़ा सीट दिया गया है, और पिलियन वाला सीट देखोगे ये भी आपको चौड़े दिए गए हैं, जिससे ना ही राइडर को बैठने में प्रॉब्लम आने वाला है और ना ही पिलियन को बैठने में कहीं से भी प्रॉब्लम आने वाला है। और इसके अंदर आप यहाँ पे स्टोरेज देखोगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कुछ स्टोरेज दिया गया है, बरसात के टाइम पे अपना मोबाइल को आप यहाँ पे इजिली से कैरी कर सकते हो। सीट काउल देखोगे ये भी पार्ट आपको टोटली ग्लॉसी ब्लैक कलर में दिया गया है। साइड पैनल आप यहाँ से देख सकते हो, जहाँ की आपको रेडर को मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपको 63 का आपको स्टिकर देखने को मिल जाएगा। एग्जॉस्ट देखोगे जो कि आपको डुअल टोन कलर में दिया गया है, ऊपर में आपको ग्रे कलर के मेटल देखने को मिल जाएंगे। साउंड को मैं आपको आगे चल के सुनाने वाला हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो रियर का ड्रम ब्रेक, जो कि आपको 130 mm के आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, और जो रियर का टायर है जो कि आपको 100/90 सेक्शन के इसमें आपको रियर टायर देखने को मिल जाएंगे। सस्पेंशन की ओर देखा जाए तो रियर में जो सस्पेंशन मिलता है, जो कि आपको मोनो शॉक टाइप का सस्पेंशन दिया गया है। 125 सीसी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे सस्पेंशन मिल जाएंगे। टोटली आप रियर सेक्शन की ओर आओगे, यहाँ पे आपको सिंगल पीस ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा। नीचे में आपको LED में टेल लाइट देखने को मिलेंगे। सीट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे की का स्लॉट मिल जाता है। नंबर प्लेट आपको यहाँ पे लग जाएगा। हेलोजन बल्ब्स दिए गए, और दोनों साइड रिफ्लेक्टर, और यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्टर के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इधर आप देखोगे जहाँ के आपको सारी का ऑप्शन पहले से मिल जाते हैं। लेडीज स्कूटर भी आपको पहले से ही दिया गया है। चेन जो दिया गया है, जो कि आपको टोटली खुला दिया गया है। टायर में क्या हवा रखना है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। मिडिल स्टैंड और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड दोनों ही मिलते हैं। साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर दिया गया है, और इस गाड़ी में आपको टोटल 5 गियर का ट्रांसमिशन मिल जाएगा। मीटर कंसोल की ओर आओगे तो यहाँ पे आप इसका मीटर कंसोल देखोगे। ये आपका टॉप मॉडल नहीं है, इसके ऊपर भी एक जो टॉप मॉडल आता है उसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी देखने को मिलते हैं। ये आपको विदाउट मोबाइल कनेक्टिविटी वाला मॉडल है, उसके बावजूद भी इसमें आपको फीचर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसे मैं ऑफ करता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपको हाई करके लिखा हुआ जाता है। इधर आप देखोगे जहाँ कि आपको हेलमेट का रिमाइंडर भी आपको शो करने वाला है। 9000 RPM के बाद रेड लाइनिंग कर जाता है। डिजिटल में आपको क्लॉक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिए गए, ओडोमीटर दिए गए, ट्रिपॉन मिल जाता है।
साइड स्टैंड लगे हैं उसके लिए इंडिकेटर, गियर पोस्ट इंडिकेटर भी दिया गया है। और यहाँ पे आपको फ्यूल गेज, इको मोड और आपको पावर मोड दोनों ही मिलता है। इसे टॉगल करने के लिए आपको यहाँ पे दो बटन दिया गया है, इसे जब आप दबाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ की आपको ट्रिप ऑन देखने को मिल जाएगा, ट्रिप भी मिल जाएगा। फिर से दबाओगे गाड़ी आपको रेंज क्या है इस गाड़ी का वो आपको शो करने वाली है, एवरेज माइलेज क्या दे रही गाड़ी वो आपको यहाँ पे बताने वाली है। तो इतना कुछ आपको फीचर्स मिलता है, फीचर लोडेड आपको मीटर कंसोल दिया गया है की देख सकते हो, जो कि आपको 125 सीसी में आपको वेव डिजाइन का की दिया गया है। और आपको क्या ही चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आपको प्रीमियम सा की देखने को मिलेगा। सिंगल पाइप का आपको यहाँ पे हैंडल बार दिया गया है। स्विचेस की ओर देखा जाए तो लो बीम, आपको हाई बीम, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का स्विच, आपका हॉर्न का स्विच, सिंगल हॉर्न ही मिलेंगे। और यहाँ पर आपको पासिंग के बटन देखने को मिलते हैं, प्लस देख सकते हो जो कि आपको टोटली एल्यूमिनियम फिनिश के साथ दिया गया है। एंड बार के ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। राइट साइड आओगे तो यहाँ पे आपको इको मोड और आपको यहाँ पे पावर मोड स्विच करने के लिए बटन दिया गया, और यहाँ से आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर पाओगे। तो गाइज अभी जस्ट आपने इस गाड़ी के एग्जॉस्ट साउंड को सुना, आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके बता सकते हो। और इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट के फीचर्स देखने को मिलेंगे। इंजन की ओर देखा जाए तो आपको 124.8 सीसी का इसमें आपको इंजन दिया गया है। सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक थ्री वेल्व के साथ देखने को मिलता है, जो कि आपको एयर कूलिंग और ऑयल कूलिंग दोनों को ही सपोर्ट करने वाली है, जिससे जो हीटिंग इशू इस गाड़ी से आपको कहीं से भी नहीं देखने को मिलेगा। माइलेज की ओर देखा जाए तो 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आराम से निकाल पाओगे। इससे आपको ज़्यादा का भी मिल जाएगा अगर आप इसे अच्छे से राइड करते हो। तो टॉप स्पीड लगभग आपको 100 किलोमीटर पर आवर का देखने को मिल जाता है। और इंजन से जो पावर है, जो कि आपको 11.2 पीएस का पावर और साथ साथ आपको 11.2 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी आपको टॉर्क भी देने वाली है। सफिशियंट पावर एंड टॉर्क देखने को मिलता है। और जो वजन है ये भी आपको मात्र 123 केजी का ही रखा गया है, जिसे कोई भी आदमी इसे आराम से चला सकता है, कहीं से भी आपको भारी फील नहीं होने वाला है। और सीट हाइट आपको मात्र 780 एमएम के रखे गए हैं। अगर आपका हाइट 5 फीट से कम भी है तो भी इस गाड़ी को आप आराम से चला पाओगे। और अब मैं आपको इसका प्राइस बताता हूँ अभी फिलहाल देखा जाए, क्योंकि मैं कंकुरेंट टीवीएस रांची पे हूँ और यहाँ का जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है जो कि आपको लगभग 1,20,000 रुपये के अप्रॉक्स पड़ने वाला है। और इस सुपर स्क्वाड एडिशन में आपको दो कलर मिलेंगे, एक आप सबसे पहला कलर देखोगे और इसका आप यहाँ पे दूसरा कलर को भी देख सकते हो, जो कि आपको हल्के से ब्लैक और बैगनी कलर का आपको यहाँ पे यूज़ देखने को मिल जाएगा। कौन सा आपको अच्छा लगा वो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो मैंने गाइस इस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल रिव्यू में वो मैंने आपको हर एक कुछ अच्छे से बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन होता है तो वो सब कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ साथ आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर पाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।